नहीं किसी के बाप का। हमारी लड़ाई जिंदाबाद। जुल्म में जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों पे। और आज जब हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर इस प्रदर्शन को करने जा रहे हैं, हम जानते हैं विधानसभा का सत्र चल रहा है और पिछले 6 महीने के अंदर इस महामारी के दौरान जो छात्रों की समस्याएं थी, लगातार SFI उन समस्याओं को प्रशासन के सामने रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बहरी सरकार छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए हमने ताली थाली के साथ यहाँ पर जो प्रदर्शन किया है उसके माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक आप अचीवमेंट के रूप में दर्शा रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य बनेगा देश के अंदर जो नई शिक्षा नीति को लागू करेगा, वो हिमाचल के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि इस शिक्षा नीति को देश भर के अंदर छात्र समुदाय, अध्यापक समुदाय पहले नकार चुका है। देश के सभी संसद के अंदर इसको जो है अलोकतांत्रिक तरीके से पास किया गया, संसद के अंदर कोई चर्चा इसके ऊपर नहीं हुई और इस कोरोना महामारी को आपदा के रूप में अवसर बनाकर जो है सरकार ने इसको लागू किया है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार इसकी जो है जब तरफदारी कर रही है कि इसके माध्यम से शिक्षण संस्थानों को ऑटोनॉमी मिलेगी, तो वो किस तरह की ऑटोनॉमी है? वो ऑटोनॉमी निजी शिक्षण संस्थानों को मिलेगी, उनको स्वतंत्रता मिलेगी कि वो अपने लेवल पर फीस तय कर सकते हैं, वो अपने लेवल पर डिग्री दे सकते हैं, लेकिन जब वो निजी शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो APG यूनिवर्सिटी की तरह, मानव भारती यूनिवर्सिटी की तरह, जहां पर 4 लाख से अधिक फर्जी डिग्रियां बांटी गई, इस तरीके के गोरख धंधे जो पहले गैर कानूनी रूप से होते थे, अब वो जो सरकार उसको कानूनी रूप से अंजाम देने की कोशिश कर रही है। इसलिए SFI इस जो है नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है। इसके साथ साथ इस नई शिक्षा नीति के अंदर कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर वही शिक्षण संस्थान आगे चालू रहेंगे जहां पर छात्रों की संख्या 3000 से अधिक है। हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे कितने स्कूल है, कितने कॉलेज है जहां 3000 से अधिक संख्या है। बहुत सारे निजी हमारे जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वो बंद हो जाएंगे।